तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएँ। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आर्टिकल लिंक को साथ में मेरे एयरफल प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको एयरफल पसंद आती है तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एयरफल शूटिंग वीडियोज़, पावर वीडियोज़, रिव्यू वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, और आज इस टॉपिक में मैं आपको आंसर दूंगा, शायद आपकी इस कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो जैसे आपको दोस्तों पता होगा, मेरे पास आर्मर है और वो काफ़ी अच्छी पावरफुल है, राइफल है, तो उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ। तो जब मैं आर्मर के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मेरे को NX-100 से या प्रेसोल की किसी भी गन से कंपेरिजन के लिए लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं। तो मैं आपको इसका आज क्लियर कट शॉर्ट में आंसर देता हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, प्रेसी होल बहुत अच्छी गन है, ठीक है दोस्तों, पर जब मैं गन ले रहा था तो मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, इसलिए मैंने आर्मर बाई करी। हर बंदे की प्रायोरिटी, मतलब उसको किस पर्पज़ के लिए गन चाहिए, वो अलग है। इसलिए किसी के लिए प्रेसियोल बेस्ट है, किसी के लिए आर्मर बेस्ट है। अपनी प्लेस पे दोनों ही बहुत अच्छी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है। किसी के लिए आर्मर बेस्ट है तो किसी के लिए प्रेसियोल बेस्ट है, क्योंकि हर बंदे की नीड अलग अलग है, वॉन्ट अलग अलग है, और बजट भी अलग अलग है। वैसे प्राइस का चलो इतना कोई फ़र्क नहीं है, 3-4 हज़ार का, वो तो आप पैसे जोड़ के ख़रीद लेंगे। पर हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता कि दोनों ख़रीद ले, कहीं कई लोगों के पास इतने फंड्स हैं कि वो दोनों गन्स बाय कर सकते हैं, पर जैसे मैं हूँ, मेरे दोनों गन्स बाय नहीं कर सकता था, तो मेरे को एक ही गन बाय करनी थी। तो लोगों को चॉइस करनी पड़ती है कि यार आर्मर लें या प्रेसियोल लें। तो यार प्रेसियोल बहुत अच्छी गन है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी गन है वो भी साथ में दोस्तों। पर मैं आपको बताऊँ ना, हर बंदे की नीड अलग अलग है, उसके हिसाब से उसकी किसी को आर्मर पसंद आएगी और किसी को प्रेसियोल पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैंने आर्मर क्यों ली, क्योंकि मेरे को एक पावरफुल गन चाहिए थी जिसकी लुक्स बहुत ही अच्छी हों, असॉल्ट टाइप लुक्स हों। तो पावर के मामले में और लुक्स के मामले में आर्मर को इंडिया में कोई गन नहीं हरा सकती, इसलिए मैंने ये गन बाय कर ली। अगर आपकी भी यही प्रायोरिटीज़ है, पावर प्लस लुक्स, तो आर्मर बाय कर लीजिए, और अगर आपको लगता है आपके लिए प्रेसियोल ज़्यादा फिट बैठेगी तो वो बाय कर लीजिए। ये शॉर्ट सिंपल आंसर है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिबेट की बात नहीं है। तो अपना इन्फॉर्म डिसीजन मेक कीजिए और एक अच्छे से गन बाय कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।